इंतजाम का सुना नया क्या यार, वो हर वक्त जेब में इस्तीफा लिए घूमते हैं। एक फिल्म थी उसमें लहरी का जो कैरेक्टर था उसका ये मसला था कि कोई बात होती थी कहता था कि ये ले इस्तीफा, ये ले इस्तीफा, ये रहा मेरा इस्तीफा। इंतजाम उल हक का भी वही हो गया है यार। ये कुछ अंडर 19 या किस टीम के लिए ये कोच की सिलेक्शन में बढ़ना, मोहम्मद यूसुफ को लगवाना चाह रहे थे, इतनी बड़ी बात थी। हाँ नहीं तो ये वर्ल्ड कप की गालियां कौन खाएगा? ये तो खाएंगे भी नहीं वैसे ही, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से थोड़ा पहले आए थे, उन्होंने आते ही कह दिया था मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वर्ल्ड कप की जो गालियां हैं, वर्ल्ड कप सेलेक्टर है ना, हाँ क्रिकेट टीम के, हाँ, ये सब कुछ बन जाते हैं चीफ सेलेक्टर। ये कमेंट्री कर नहीं सकते वरना ये कमेंटेटर ही बन चुके होते हैं। अच्छा हाँ, पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी चल रही है, हाँ मुझे तो लगता है बहुत ही दूर है, सेमीफाइनल भी बहुत दूर लग रहा है हमसे तो यार। अगर तो जब इस पे गालियां पड़ेंगी तो कौन खाएगा? बाबर आजम खाएगा, चीफ सेलेक्टर खाएगा, बाबर आजम खाएगा, जका अशरफ खाएगा, कौन खाएगा? जका अशरफ, इंतजाम, ये सारे तो कुछ अरसा पहले ही आए थे। बाबर आजम जो है वो पहले से है, तो बकरी बाबर बनेगा। नहीं नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आया, अभी चीफ सेलेक्टर अंडर 19 क्रिकेट का मामला इतना बड़ा है कि इंजमाम साहब जिनके ऊपर टीम की जिम्मेदारी वर्ल्ड कप के कुछ आने से कुछ अरसे पहले डाल दी गई थी, समहाउ वो भी है ना यार इस चीज के जिम्मेदार यार ये लोग, तो वो क्यों जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है अंदर की बात क्या है? भाई अंदर की बात यही कि ये जो है अपना एक नेक्सस बनाना चाह रहे हैं पूरा, चाह रहे हैं कि इनके जो मीठे मीठे भाई हैं सारे ये सब अहम अहम जगहों पे बैठे हो। सही है, चिल्ला काटे पे, चिल्ला काटे ताकि इन्होंने टीम का आचरण देख लो, चीज पे गए थे ना चिल्ले पे ऐसे। मैं बस चिल्ले पे ही समझे तबलीगी जमात के कुरान का 40 दिन मुताला ही करता रहा। इंजमाम भाई हमारे ये जो है ये सारे मीठे मीठे इस्लामी भाई जमा कर रहे थे ताकि इनकी जरा ताकत बढ़े। सही है, टीम का हाल देख लो तो बाबर क्या गैर इस्लामी है यार, पूरी टीम तुम्हारी जमाती 11 लगती है। सही है, इंटरनेशनल मैच की तो टीम नहीं लगती यार, बड़ा हमें बर्दाश्त है यार। हमारे पास मोहम्मद यूसुफ है जिसके बारे में इंटरव्यू दे रहा था 2019 का इंटरव्यू है इंजमाम का, हाँ कि वो यही डिस्क्रिमिनेशन में बात हो रही थी कि जी दिनेश कनेरिया और के साथ क्या वाकई में इस तरह का कोई रवैया होता था ड्रेसिंग रूम में, और बाकी यानी कि लोग कोई खाना खाना पसंद नहीं करता था, ऐसे कोई मामला होते थे। तो इंजमाम ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, जस्टिफाई किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था, मगर सबसे ज़्यादा दिनेश कनेरिया इंजमाम की कैप्टनसी में खेला है ना, तो बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये कि थी हमारे यहाँ तो देखें मोहम्मद यूसुफ जो पहले यूसुफ जोहन्ना थे उन्होंने तो कभी तो खैर क्या कह सकते हैं सर्वाइवल यार नहीं, अब खैर किसी का मतलब अकीदा ज़ाती मामला है। हम यही तो बोल रहे हैं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन अगर थी तो गलत थी, अब जिसके साथ हुई वो बोल रहा है, लेकिन जो उस वक्त टीम की कैप्टनसी जिसके सलमान भट्ट ने डिनाई कर रहा है, सलमान भट्ट ने क्या कहा था आप नमाजें पढ़ना शुरू कर दें इंजमाम के करीब हो जाएंगे। यार हर जगह हो गया, सिर्फ क्रिकेट टीम नहीं है। आप ये देखें पाकिस्तान में सियासत में आपको आना है, नवाज शरीफ ने कहा था ना अभी जब ये आया 21 तारीख को तो मीनारे पाकिस्तान में खड़े होकर बोला गया भाई तस्बीह मेरी जेब में भी है लेकिन मैं घर में पढ़ लेता हूँ, पब्लिकली इमेज बिल्डिंग के लिए चीजें नहीं करता, मेरे पास भी तस्बीह है लेकिन तस्वीर मैं उस वक्त फेंकता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। खैर वो अलग बात है, नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन आपको वजीर आज़म बनने के लिए भी भले आप माजी में कुछ भी रहे हो तो हाथ में तस्बीह चलानी पड़ेगी या तिरछी टोपी करनी पड़ेगी। यार देखो भाई हमारी और आपकी पैदाइश जो है वो है ज़िया दौर की, और ये वो दौर था जब हम ईरान से उठ के सऊदी अरब के कैंप में आ रहे थे, तो हम उस वक्त की जितनी पौध है उसके अंदर ये जरासीम डाल दिए गए हैं कि आपने इस्लाम इस्लाम करना है, और उसका आप नतीजा देख लें। बाबर का क्या है, जल्दी तो नहीं करती इसको कप्तान बनाने में, बेचारा अच्छा खासा बैटर है यार, क्या बैटिंग करता है देखो इश्तिहारात में देखो उसको, तुम ओ भाई इसको भगाओ यार, ये बाबर हो गई है, हाँ जा नहीं रही, हाँ वर्ल्ड कप में भेज दो बिल्ली को। नहीं अच्छा, बाबर आजम का ये है कि वो इश्तिहारों में तो चल रहे लेवल ही और है, और बरमबाजी चल रही है भरपूर उनकी, लेवल और था तो वो बना ना वजीर आजम, कह रहा हूँ कैप्टन बना। हाँ क्या यार तुम टीम का असर देखो, बाबर के अंदर है ही नहीं, उनको घर से भेज देते हैं जो पर्दे पे लिख के कि ये करना है, 10 से 20 ओवर ये करना है, 20 से 30 ओवर ये करना है, 30 से 40 ओवर ये करना है, वो वही कर रहे होते हैं यार। बहुत बड़े मैंने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तदियाकारों को जो स्पोर्ट्स का जिनका काम था
पे तजिया करना, उनको जब ये आया था बाबर हमने सुना था ये भाई विराट कोहली जैसा कैप्टन बनेगा, विराट कोहली से कंपेयर कर रहे थे। अब वो लोग अपना, खैर हमारे यार हमारे यहाँ तो नहीं है, तजियागार भी फौरन बयान बदल लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम दूसरे से मरूब हो जाते हैं बहुत जल्दी। कोई बहुत अच्छा अदाकार आ जाएगा तो आप कह दोगे कि ये पाकिस्तान का अमिताभ बच्चन है। अरे यार अपनी ब्रांड बनाओ ना, माना सोच खुला माना सोच, फला आदमी आया वो देखो पाकिस्तान का दिलीप कुमार है यार, हम हिंदुस्तान से अलग नहीं हुए, लग रहा है हिंदुस्तान में हम महकूम थे भाई, हम असल में इंडिया से आजाद होकर आए, ब्रिटिशर्स से आजाद होकर नहीं आए, इंडियन से आजाद हो गए हैं लग रहा है। क्योंकि बार बार हम बोलते नहीं यार मालिक ऐसा करते हैं, तो देखो हमने कर लिया तो हम मालिक बन गए। कभी इंडियन किसी को सुना कि ये इंडिया का वसीम अकरम है कोई बॉलर, उसमें पास बॉलर स्टोन क्या नहीं है? आप अपने खिलाड़ियों को आइडियलाइज करो ना यार, नहीं कि ये जावेद मियांदाद का जानशीन है, ये सलीम मलिक का जानशीन है, विराट कोहली होगा बहुत बड़ा बैट्समैन, मियांदाद से बड़ा था क्या? नहीं था ना, सही बात, वो अलग दौर की क्रिकेट थी, ये अलग दौर की क्रिकेट है यार। यार हमारे यहाँ खिलाड़ियों का एक और मसला भी है, दो सेंचुरियां बनाते हैं, पांच विकेट ले लेते हैं एक मैच में, तो फौरन कैमरे उनके घर पहुंच जाते हैं, उनके एक चचा निकल आएंगे उसके अंदर जो उन्हें मोटरसाइकिल पे स्टेडियम छोड़ देते हैं। अम्मा को पहले से पता था कि उनका बच्चा कुछ करेगा, और अब्बा जो है वो उनको बशारत हुई हुई है कि मेरा बच्चा जो है सुपरस्टार बनेगा। कितने खिलाड़ी में होता है, हर जो कैंडिडेट बहुत गरीब होता है, उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा मजहबी होते हैं, और वो बड़ा ही कोई ग्रेट किस्म का बंदा होता है, और वो आके जब बात करता है तो उससे पहले पूरी उसकी स्टोरी चलाते हैं। तो मेरे ख्याल से सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ हीरो बनाने के लिए ना इमोशनल एस्पेक्ट्स जोड़ दिए जाते हैं, और परफॉर्मेंस पे इमोशनल एस्पेक्ट्स आदि होते हैं, हमारी जहन साजी हो जाती है, और आप जैसे स्पोर्ट्स के तदियाकार आके उसको विराट कोहली से मिलाते हैं और हम बोलते हैं नहीं दादा आप तो कुछ करेगा। जैसे पहली सिलेक्शन होती थी टीम्स की, यूनिवर्सिटी से लड़के चुने जाते थे ताकि उनका कम से कम एक्सपोजर तो हो। जब ये गरीब इलाकों से लड़के आते हैं और ये इनको लाइमलाइट में रखा जाता है और ये एक्सपोजर इनका होता नहीं है और इनको चीज़ें सब मिलना शुरू हो जाती हैं, तो ये अब कंट्रोल जो इनका ख़त्म हो जाता है अपने ऊपर। और फिर जो कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अपने खांचे चलते रहने के लिए इनको बनाते हैं बड़ा। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच में मैं हैरान था यार, बहुत से चैनल्स पे जहां पूरी हेडलाइनें चली कि जी क्या हुआ, किस तरह वार्नर ने पिटाई की थी ना, सही है, शाहीन की हेडलाइंस हर चैनल में अलग चली। क्यों? क्योंकि बहुत से अक्सर स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को पता है कि अगला कैप्टन ये है, तैयारी इसके लिए, और बताया गया जा रहा तीन बार दो बार ये हैट्रिक से रह गया और ये कर दिया वो कर दिया। यकीन करें इतना बड़ा स्कोर जिस टीम ने आपको मारा हो उस टीम के किसी बॉलर की तारीफें किसी हेडलाइन में करें तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। क्यों? इसी पार्टी बाजी में मीडिया का भी बहुत बड़ा किरदार है, आप लोगों की जहन साजियाँ कर रहे हैं, चले को तजियाकार बोले तो सही है, अलग से उसकी खबरें चल रही हैं, अलग से बगैर क्रेडिट के उसको जिन बनाया जा रहा है। यानी कि यार जिन तो सबको, जिन तो पीएसएल ने बनाया सबको, 20-20 ओवर की क्रिकेट में वो बिट्टे ले रहे हैं, कैचेस पकड़े हैं, बिल्कुल मामूली से लड़के। अगर पीएसएल ना होता तो जो करंट टीम है ना इसमें से आधे जो होते खिलाड़ी ये चाय के ढाबे पे आपको ऑर्डर ले रहे होते पराठे का या बाइकिया चला रहे होते, इनकी आईक्यू इससे ऊपर है ही नहीं। इनकी आई बहुत से इंटेलिजेंट लोग तो बता दो इंजीनियर्स भी बाइकिया चला रहे हैं यार, वो तो मजबूरी की बात है, लेकिन एटलीस्ट वो इतना लाइमलाइट में नहीं होते, इतने बड़े क्रिकेटर नहीं होते, 50-50 लाख रुपए महीना नहीं ले रहे होते पीसीबी से, ना आईसीसी की प्रॉफिट शेयरिंग में होते भाई। ये हमेशा ये देखा गया हर वर्ल्ड कप के बाद कि एक बकरी होती है आपकी, 79 से आप उठाएं अगर, हारून रशीद साहब थे उनको उनके मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया कि इन्होंने वर्ल्ड कप हरवाया है, उनको तारिक रोड पर उतार लिया था गाड़ी से। 83 के सेमीफाइनल में मियांदाद बैठ गए थे, बीमार थे, हुआ होगा कोई झगड़ा हुआ होगा, आई हैव नो आइडिया। 87 में सबको पता है सलीम जाफर को कहा जाता है, 96 में वसीम अकरम के ऊपर डाल दिया, 99 में पूरी टीम पर डाल के जस्टिस कयूम की रिपोर्ट आ गई, 2003 बकार यूनुस, 2007 इंतजाम उलग, बकार यूनुस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वकार यूनुस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो बेचारे वकार यूनुस जिस तरह कमेंट्री करते हैं ना उसी तरह वकार यूनुस ने ये जुमला भी बोला, अंग्रेजी उनको आती नहीं, वो सिर्फ एक्सेंट बना के ना व्हाट द हाउ इज गोइंग ऑन करके अंग्रेजी समझ जाते हैं। वो अंग्रेजों के बीच में रह के मजाक वो नहीं कर पाए, उन्होंने ट्रांसलेटेड मजाक किया था क्या कि मैं आधा ऑस्ट्रेलियन भी हूँ, उन्होंने उस इमरान खान के मकूले को ऑस्ट्रेलियन बना दिया, ये बोला कि आई एम एन ऑस्ट्रेलियन
बाय मैरिज या इस तरह कुछ बोल देते। हालांकि यार आपको फकरिया कहना चाहिए, मैं मियां चन्नू सुन लिया। चन्नू क्या मतलब? कोई बिहाड़ी, ये बिहाड़ी के, सॉरी बिहाड़ी से मैं तो, मतलब आप अपनी वही बात है ना, अपनी तजलील खुद करते हैं यार। बिहाड़ी से होना या मैं कराची से हूँ, अगर 10 गोरे सामने बैठे हैं तो मैं तजलील फील करूँ कि मैं कराची से हूँ? या फिर इतने मसाइल हैं भाई, मैं जहाँ से हूँ मैं वही उसको ऑन तो करूँ? यानी कि कुछ अरसा में कहीं रहने के बाद या कहीं शादी करने का बोलूँ, नहीं यार मैं तो कैनेडियन हूँ, मैं तो अमरीकी हूँ? खैर यार, अपनी शनाख्त से बहुत परेशान है। उन्होंने मजाक करने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग सीरियस हो गए और वकार से है, मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है, तो मजाही आदमी है। इन द सेंस के मैंने 96 में ऑटोग्राफ लिया था तो उन्होंने वकार यूनुस करके दिया। 6 महीने बाद दोबारा मिला तो उन्होंने सिर्फ वकार लिख दिया। तो मैंने पेज पलटने जाकर, पहले तो ये था, तो कहने कहाँ लिया था तुमने? इस तरह करके बात कर रहे थे छोटे, मैं भी 18-19 साल का था। तो कहने का मतलब ये कि दुबले होंगे आप हैं? नहीं, ऐसे ही था, ऐसे ही था। हर टीम लगी हुई है इसमें कि किसी तरह वो हार के नीचे आए और पाकिस्तान ऊपर आ जाए। आप अपसेट देखो, कभी किसी टूर्नामेंट में इतने अपसेट्स नहीं हुए। एक एक अपसेट होता था, बड़ी टीम हार गई। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ हॉलैंड नेदरलैंड जो है उसे वो साउथ अफ्रीका को हरा रहा है। हमारे यहाँ अफगानिस्तान जो है इंग्लैंड को हरा रहा है, डिफेंडिंग चैंपियन को। हमारे ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है यार, बताओ। और सब चाह रहे हैं कि वो नीचे आए, पाकिस्तान ऊपर आ जाए, और हम फिर भी नहीं आ रहे ऊपर। हमारे यहाँ वो PSL हो रहा है, फिर लॉर कलंदर्स अपने इवेंट कराती है, फिर उससे टैलेंट आता है। हाँ यार, ये देखे ट्रैकिंग तो सही है। हाँ, मसला कहाँ है? अच्छे क्रिकेटर्स या तो बॉलर से बैटिंग करवाई जा रही है, बैटिंग बॉल करने वाले से बॉलिंग करवाई जा रही है, दोनों में कामयाब हो जाता है उसको बेचारे को कप्तानी में घुसेड़ के उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मार देते हैं, अच्छा कप्तान नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और दूसरा, अभी आप देखो रोहित शर्मा से जो सवाल हुआ था जब ये कैप्टन्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड कप से पहले, तो बड़ा तनकीदी सवाल हुआ था यार। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया था जिसमें रोहित शर्मा तब गया था, हमारे यहाँ जो ये फ्रेंडली जर्नलिज्म हो रही है ना, अब आप देखें इंजमाम की जो हेडलाइन थी मैंने 4 चैनल्स पे सुनी है, उसके अंदर ये चीज़ ऐड की हुई थी। पहले ये था कि जी इंजमाम उलग के इख्तलाफात PCB से, जल्द जराए के मुताबिक वो जल्द इस्तीफा दे देंगे, और आखिर में एक लाइन जोड़ी हुई कि अभी कुछ महीने पहले ही 25 लाख रुपए महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। यानी कि आप जहनसाजी कर रहे हैं कि इंजमाम साहब सही कर रहे हैं और वो इतने बड़े सखी हैं कि वो 25 लाख रुपए महीने को भी लात मारने वाले हैं। यार आप बताओ तो सही कि ये इशू है, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई वो वर्ल्ड कप से कुछ अर्सा पहले आए हैं, अभी क्या उनका रिज़ाइन देना बनता है सिर्फ अंडर-19 की एक टीम के लिए, कोच की तकरारी के लिए क्यों छोड़ रहे हैं, बजाय इसके कि ये इस वक्त यहाँ पे ये 25 लाख रुपए महीने वाली बात क्यों डाली है आपने? क्यों लोग सोचे यार कितना ईमानदार आदमी है, अपने उसूल के लिए 25 लाख रुपए महीने पे लात मार रहा है यार इंतजाम की। सही है, ये फ्रेंडली जर्नलिज्म है ना, ये भी आपकी टीम को खा रही है भाई। फ्रेंडली उसकी बात नहीं हो रही है, इंतजाम अलग, हमारी बात भी इंतजाम से शुरू हुई थी। इंतजाम अलग 20 साल से क्रिकेट टीम से ऐसे चिपके हुए हैं, रिटायरमेंट से पहले से अपने, इन्होंने 2007 के वर्ल्ड कप में टीम को जितने नीचे पहुंचा सकते थे पहुंचा के खुदाफिज किया, फिर अलविदाई मैच खेला आके, पैसे लिए अलविदाई मैच के, फेयरवेल जो पहले कभी नहीं होता था, एक फेयरवेल मैच कराया, उसके बाद टीम के साथ कभी कोच, कभी सिलेक्टर, कभी बैटिंग कोच, कभी क्या क्या करके ये टीम के साथ चिपके रहे हमेशा, और कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि इनसे सबसे पहले छुटकारा पाना पड़ेगा, तभी टीम आगे बढ़ेगी।